एक अभियान छेड़ा हुआ है। उसी क्रम में जनपद की क्राइम ब्रांच टीम और शिकोहाबाद थाने की टीम को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें एक 25,000 रुपये का जो पुरस्कार घोषित अपराधी संतोष कोरिया उर्फ संतोष यादव उर्फ कोरी, कई सारे नाम इसके बदल बदल के अलग अलग जगहों पर रहा हुआ है, इसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। इसके ऊपर करीब 18 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें 3 हत्या के मुकदमे थे, जिसमें हम लोग इसको जोर शोर से इसकी तलाश में टीम लगा रखी थी। उसी क्रम में ये महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है और इसमें जो इनके गैंग के 4-5 लोग अन्य हैं जो इनके साथ हत्याओं में शामिल होते हैं, घटनाएँ करते हैं और उसके बाद ये जगह छोड़ करके अन्य प्रदेशों में चले जाते हैं, उनकी भी गिरफ्तारी के लिए हम लोग अभी लगे हुए हैं और जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। सही, लगभग कितने प्रदेशों में अब तक ये गैंग काम कर रहा है पूरा? अभी हम लोग इसका विवरण इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि इसको हम लोगों ने बाहर से गिरफ्तार किया है और अपने यहाँ ला करके इसको अब हम मजिस्ट्रेट सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसी आधार पर हमें ऐसा लग रहा है कि इनके अन्य सदस्य जो हैं वो बाहर के अन्य प्रदेशों में या फिर अन्य जिलों में छुप के रह रहे हैं। क्या लगता है सर, यहाँ का कोई संरक्षण देने वाला यहीं के कोई लोग हैं ऐसे लोगों को? अगर जो भी इन अपराधियों का संरक्षण करेगा उसके खिलाफ साक्ष्य मिलेंगे तो उनके खिलाफ भी कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।